और 2.25 महीने एक बूंद एक अनाज का दाना इनके शरीर के अंदर नहीं गया, और मतलब 3 आदमी इनको पकड़ के घुमाने फिराने के लिए लेके जाते थे, लेकिन वो भी इनके अंदर श्रद्धा नहीं रही थी। एक बार रिपोर्ट दिखाई दो। दिखाऊंगा। और 56 किलो से 40 किलो पे इनका वेट आ गया था। 56 किलो से 40 किलो पे। वेल भाई, डोबी गांव में पहुंची थी क्योंकि खुद जो है खुद के कानों तक सुनी थी, आंखें तक देखी भी है कि भाई एक पेशेंट जो ऑलमोस्ट जो है मौत के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे, खाना पीना सब छूट गया था, डॉक्टर ने दवाई बंद कर दी थी, इलाज बंद कर दिया था, यू कह के भाई ईब हमारे बस की बात को नहीं है। वो पेशेंट जो है खुद से खड़े होके इतनी देर से मेरे सामने जो है लोगों में बैठे हैं, और भाई खुद से चल फिर कहें जिनते चलान खातर 3 लोगों की मदद की जरूरत होया कर दी। डॉक्टर ने यूं कह के रोहतक पीज गया तो उल्टा भेज दिया था कि भाई मारे बस की बात नहीं है इनका इलाज करना, बस इनकी सेवा जितने दिन कर सको कर लो, बाकी तो ये भगवान मालिक है। और भाई इतने जो है एक्सट्रीम लेवल का कैंसर पेशेंट 1 महीने में दोबारा ठीक हो गया, वो भी बिना किसी दवाई के, कमाल की बात है। और सिर्फ इसी वजह से यो एक कारण है कि मैं आज जो है डोबी गांव में पहुंची हूं, और भाई सरपंच साहब मेरे पीछे मौजूद हैं, और साथ में जो है मौजूद है इनके फादर साहब, जो देख लो 1 महीने पहले लग इन शख्स लग उठा के घुमाना पड़ा करता 3 लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जान खातर लग गया करते। ताऊ जी, यह बात सच है कि झूठ है? मनी सच है। 1 महीने पहले लगी इतने बीमार थे? हाँ जी, सच्ची बात है, ये तो सच्ची बात है। चलो, अब 1 महीने में क्या फर्क आया यो बताओ। 1 महीने में वो फर्क आ गया जी कि मेरे सर से जो बाप का साया उठने वाला था, और बड़ी बड़ी डिग्री धारक डॉक्टरों ने साफ कह दिया था कि अब बाप को नहीं बचा सकोगे, और मेरा मन एक तरफ उदास था और एक तरफ गांव ने मेरे सर पे ताज सजाया था सरपंच जी का, तो दोनों तरफ समस्याओं से घिर गया था मैं। लेकिन इस पानी ने जो एनर्जिक कंपनी जी, मैंने कही थी कि कोई पता नहीं कौन सी गुट्टी है या पानी है, ये एक तरफ एक साइड से कहेंगे तो घुट्टी है, इनको नया जीवन मिल गया है तो हम घुट्टी कहेंगे, और एक तरफ हम देखेंगे तो एक आम साधारण तौर पे हम जो पानी घर में यूज करते हैं उस पानी का पीएच लेवल, पानी तो साहब पहले भी आपके घर में होगा मेरे ख्याल, तो ई भी साहब पानी में के नया आ गया। बस यही चीज आज देख करके हम हैरान थे कि हम जो पानी पी रहे थे वो ये कहेंगे कि जो भयानक से भयानक बीमारियां आज जो जिनका कोई इलाज ही नहीं है देश के अंदर, वो बीमारियां हम अपने आप घर में के अंदर पनपने दे रहे थे क्योंकि हम ऐसा पानी पी रहे थे जिसका कोई भी इलाज नहीं था। और एक ऐसी मशीन जो एनर्जी कंपनी कैंगन वाटर, उसके माध्यम से जो हमने घर में अंदर मशीन स्थापित करवाई, उस मशीन का जो पानी मिला हमें कैंगन वाटर उस भाई, क्योंकि आजकल मैंने बहुत बार जो है इस कैंगन का पानी का असर सुना है, बहुत सारे लोग जो है बीमार वो ठीक हुए हैं। इनकी कितना टाइम लग गया? 28 दिन जी। 28 दिन जी। किस तरीके से पानी दिया? 28 दिन में इनको हम 2 तरह का पानी पिलाया, एक 11.5 pH का पानी पिलाया और एक 9.5 pH का पानी। अच्छा। जो 11.5 pH का पानी दिया गया वो सुबह मॉर्निंग अर्ली इन द मॉर्निंग जैसे सुबह उठते हैं खाली पेट, सिर्फ दिन में 2 बार वो पानी दिया जाता है, शाम और रात को सोते वक्त। और जो 9.5 pH का है वो रेगुलर दिया गया जब जब इन्हें प्यास लगी। वो पानी बड़ी बड़ी दवाइयां हरा गया? बड़ी दवाइयां तो थी नहीं जी, डॉक्टर ने दवाइयां तो दी नहीं। हाँ, मतलब डॉक्टर ने पहले हार गई थी। हाँ, वो तो पहले ही हार गई थी। हाँ, और 2.25 महीने एक बूंद एक अनाज का दाना इनके शरीर के अंदर नहीं गया, और मतलब 3 आदमी इनको पकड़ के घुमाने फिराने के लिए लेके जाते थे, लेकिन वो भी इनके अंदर श्रद्धा नहीं रही थी। एक बार रिपोर्ट दिखाई दो। दिखाऊंगा। और 56 किलो से 40 किलो पे इनका वेट आ गया था। 56 किलो से 40 किलो पे। और हम इंतजार कर रहे थे उस मौत की घड़ी का जो हमारे को डॉक्टरों ने दिखाई थी। ये साफ साफ इनकी रिपोर्टें जिसके अंदर ये क्लिनिकल बायोसर्जी लेबरी ये अपना शर्मा हॉस्पिटल जो अपना रोहतक पीजीआई, ठीक है, उसकी ये रिपोर्टें हैं, ठीक है। इन रिपोर्टों में साफ साफ दर्शा दिया गया था, ये देखो जो अपना ये एंडोस्कोपी की रिपोर्ट हुई थी उनके अंदर लास्ट स्टेज का कैंसर जिसका कोई इलाज नहीं, बहुत एडवांस स्टेज डॉक्टरों ने साबित की थी, और ये MRI के ये सीटी के अंदर दर्शाया गया था। ये सीटी के अंदर पूरी रिपोर्ट में लास्ट स्टेज का कैंसर, और डॉक्टरों ने अपने लेवल की सारी रिपोर्टें इन्होंने की, सब में ये दिखाया, और इन रिपोर्टों का कुछ नहीं बना जी, ये रिपोर्टें भी हार गई। चलो भाई, जो जिन शख्स के बारे में बात होने लग रही है उनसे एक बार बातचीत कर लें। ताऊ जी, कितने दिन लगे ठीक होने में? 28 दिन। 28 दिन लग गया। कितने पानी पीने के कितने दिन बाद फर्क लगना शुरू हुआ? जी, 2 टाइम पानी देते थे। दो टाइम दिया करते। कितने दिन बाद फर्क महसूस? आज दो मशीन लगाई है,
ये तो आपने जो दो टाइम पानी पिया उसमें कितने दिन बाद आपने फर्क लगना शुरू हो गया था? फर्क दूसरे दिन ही। दूसरे दिन? हाँ जी। अरे भी वो पानी रोज गरा जो है बेटा ने लगवा दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक हो जाओगे? हाँ जी। खुद तक घूम फिर लो? गांव वालों को बहुत कह रहा हूँ जी, बैठा बैठा अब खुद घूम फिर लो? हाँ जी। ठीक हो गए? हाँ जी। मतलब मौत ने राखे उल्टे जिंदा हो गए, क्या बात है भाई। तो भाई तालियां तो एक बार जो है इन खातर बने हैं भाई, मौत आके जो है उल्टे जो है जिंदा हो। भाई जिस मशीन के बारे में इतना सुना है, जिस कैंगन पानी के बारे में इतना सुना है, उस कैंगन पानी ने देख भी लेवा कि भाई क्या चीज है जी। सर किस तरीके से ऑपरेट करा जा सके? मैम ये एनएच कैंगन मशीन का जो है ये टॉप मॉडल है जो 4 लाख रुपए का आता है, 12 प्लेट वाला मॉडल है। इसमें 2 चैम्बर है, एक चैम्बर जो है हमारा स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन और स्ट्रॉन्ग एसिडिक पानी देता है, दूसरा हमारा जो नॉर्मल डेली रूटीन में पीने का पानी वो देता है। ठीक है। इसमें कुछ सामने ये इसका डिस्प्ले है और इसके बटन्स हैं, यहाँ से हम बेसिकली इसको ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे जो ब्लू कलर वाला जो पैनल है यहाँ पे 3 बटन है, 9.5 PH का पानी है, 9 PH का पानी है, और ये 9.5 PH का पानी है, ये हमारा जनरल पीने के लिए पानी है। उसके अलावा फिर हमारे ये ऊपर पैनल पे है सर, देख पाएंगे आप, ये हमारा 7 PH का पानी है जो हमें दवाइयों के साथ लेना होता है, जो बच्चे के जन्म के टाइम पे हम जो बताते हैं ये आ गया, ये आ गया प्यूरिफाइड वाटर। उसके बाद ये एसिडिक वाटर है जैसे 6 PH का जो ब्यूटी वाटर बोलते हैं, ये मशीन की क्लीनिंग के लिए भी होता है और साथ में जो हमारी आउटर बॉडी है उसको क्लीन करने के लिए होता है। उसके बाद हमारा स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर है जो 11.5 जिसको हम बताते हैं कि फल फ्रूट सब्जियां साफ करने के लिए है। और दूसरी साइड से जो पानी आता है वो हमारे जो फंगल इन्फेक्शन है, चाहे सोराइसिस है, एक्जिमा है, या फिर स्किन की कोई भी प्रॉब्लम है, ये उसके लिए काम आता है। हाँ, ये हमारे मशीन का है। अब ये 9. मैंने कैंगन वाटर किया है तो ये 9.5 का आ गया है। अब आप देखेंगे कि ये 9.5 PH का पानी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो कैसे है देखिए मैं दिखाता हूँ आपको जी। ये आप देख पा रहे होंगे ये इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, ये जस्ट 30 सेकंड तक रहेंगे उसके बाद ये निकल जाएंगे। यही जो झरने का जो सफेद पानी होता है उसका राज यही है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लेके ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं ये ट्रांसपेरेंट हो गया। हाँ जी भाई, यो था अलग अलग चीजा खातर अलग अलग ढाल का पानी, यानी कि स्किन में अगर दिक्कत है, एलर्जी है तो उस खातर अलग पीएच लेवल का पानी, अगर बीमार है और भाई जो हाई पीएच लेवल का पानी चाहिए तो वो अलग है, नॉर्मल पीना है तो उस खातर अलग है, फ्रूट सब्जी धोने खातर पानी अलग है, यानी कि एक ही मशीन में से कई ढाल का पानी अपनी जरूरत के इस्तेमाल के हिसाब से जो है लिया जा सके है। मशीन भी जो है अपने इस्तेमाल के हिसाब से ली जा सके, यानी कि 2-2.5 लाख से शुरू होकर 4 लाख से महंगी मशीनें तक भी आवे हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही फर्क है कि भाई अगर छोटे परिवार ने मशीन यूज करनी है तो छोटे जो है छोटी मशीन ली जा सके है, या सरपंच के घर पे लगी है, सार्वजनिक हित खातर लगी है।